हेलो बच्चों, आज हम इंटरपोलेशन की एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको अब तक मेरे पहले वाले वीडियो समझ में आए हो। तो देखते हैं कि इंटरपोलेशन आपका एक बीटेक लेवल पे, बीएससी लेवल पे और बीसीए लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को क्या करता है, सोल्व कराने की कोशिश करता है। तो देखते हैं कि इंटरपोलेशन होता क्या है। तो इंटरपोलेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कई तरीके के मैथड आते हैं। तो सबसे पहले आज हम मैथड पढ़ेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मैथड पढ़ेंगे। इंटरपोलेशन मेथड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है कि फंक्शन ए प्लस पी एच बराबर होता है किसके, फंक्शन ए प्लस पी डेल्टा फंक्शन ए प्लस पी पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा का स्क्वायर फंक्शन ए प्लस पी पी माइनस वन पी माइनस के टू फंक्शन यानी डेल्टा का क्यूब ए अपॉन फैक्टोरियल थ्री। ऐसे ही आपका क्या होगा, कंटिन्यूस ये चीज यहां पर चलती जाएगी। ये जो डेल्टा डिनोट करता है आपका न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड को यहां पर क्या करता है, डिनोट करता है। अगर हम क्या कर दें, इसको उल्टा कर दें, तो ये उल्टा डिनोट करेगा आपका न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, आज इस यूनिट में इंटरपोलेशन मेथड के ऊपर सिर्फ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं न्यूटन फॉरवर्ड पोलेशन। ठीक है, तो न्यूटन फॉरवर्ड पोलेशन करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यानी एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी, फंक्शन ए प्लस पी एच इज इक्वल टू फंक्शन ए प्लस पी डेल्टा एफ ए प्लस पी पी माइनस वन डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस पी पी माइनस वन पी माइनस के टू डेल्टा क्यूब एफ ए और अपॉन फैक्टोरियल थ्री। ये आपका क्या हो गया, एक न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो गया। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लेंगे आज हम इसको सोल्व करने के लिए। तो देखते हैं कि सबसे पहले न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, जैसे ही और वो क्या कह रहा है कि फाइंड यू 0.5 पर आपको क्या करना है, इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई कर उसका आंसर आपको यहाँ पर निकालना है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म देंगे और टेबल फॉर्म देने पर हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये आपका इस तरीके से कोई न्यूमेरिकल होगा, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि ये ए और पी एच होता क्या है। तो सबसे पहले जो ए होता है वो हमारा होता है आपके पास फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू होगी आपके पास वो फर्स्ट टर्म होगी। एच होता है आपके पास क्लास इंटरवल, यानी उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी लिख सकते हैं, या डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस, दो क्लास के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। दूसरा जो पी होगा इसको हम क्या कहते हैं, पोलेशन कहते हैं। इसी चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब जो ये ए प्लस पी एच है ये किसके बराबर होगा, जो चीज हमें देगा, मतलब हमें क्या मिला हुआ है, देखें 0.5 पर हमें क्या करना है, इंटरपोलेशन निकालना है, यानी जो वैल्यू हमें गिवन होगी उसके अनुसार हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू इंटरपोलेशन फॉर्मूले में रखकर निकालनी पड़ेगी, यानी इस चीज पर हमें क्या करना है, वर्क करना है, यानी 0.5 पर हमें क्या करना है, वर्क करना है। तो ये जो पूरा फंक्शन होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, गिवन वैल्यू पर, गिवन फाइंड वैल्यू पर, यानी जोन सी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, उस पर ये क्या होगा आपका, डिफाइन करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होगा। तो इसको रब कर देते हैं, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर एक्स और वाई लिखेंगे। यहां पर कहां से स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ, यू जीरो यू वन यू टू यू थ्री यू फोर, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहां पर क्या होगा, y की वैल्यू निकालनी है, जो y की वैल्यू होगी वो जो गिवन होगी, u0 पर कितनी है 1 है, u1 पर कितनी है 0 है, u2 पर कितनी है 5 है, u3 पर कितनी है 22, u4 पर कितनी है 57, ये वाली वैल्यू हमने यहां पर आपको निकाल कर दे दी।
अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में क्या है आपका फॉरवर्ड मेथड लगाना है, डेल्टा निकालना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई लिखेंगे, ठीक है। डेल्टा वाई देखो कैसे निकलेगा, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली, और जो ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी वो इन दोनों के बीच में लिखी जाएगी। कैसे, जीरो माइनस वन कितना आ गया आपके पास माइनस वन, ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी फाइव माइनस जीरो, यानी इन दोनों के बीच में फाइव माइनस जीरो कितना आ गया फाइव, ये वाली इसमें से माइनस करी ट्वेंटी टू माइनस फाइव कितना आ गया आपके पास सेवनटीन, इसमें से माइनस करा फिफ्टी सेवन माइनस के ट्वेंटी टू कितना आ गया आपके पास थर्टी फाइव आ गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, डेल्टा स्क्वायर वाई, ये वाली हमें वैल्यू जब तक निकालनी है जब तक लास्ट में आंसर क्या ना बच जाए, एक यूनिट डिजिट ना बच जाए, यानी या तो जीरो बचे या फिर वन बचे या टू बचे या थ्री बचे, कुछ भी बचे पर एक डिजिट होनी चाहिए। यानी हमारे पास कितनी थी, पांच वैल्यू थी, इन पांच को सोल्व करते करते कम से कम आपके पास एक वैल्यू बचनी चाहिए, चाहे वो जीरो की फॉर्म में बचे, चाहे वन की फॉर्म में बचे, चाहे टू की फॉर्म में बचे, ठीक है। जब तक हम इसे सोल्व करना है तो देखते हैं कैसे, ये आ गया। अब फिर हमें क्या निकालना है, डेल्टा स्क्वायर वाई निकालना है, तो डेल्टा स्क्वायर वाई कितना आया आपके पास देखते हैं। अब इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे, इसमें से माइनस करा फाइव माइनस माइनस के वन तो कितना आया सिक्स, इसमें से माइनस करा कितना आ गया सेवनटीन माइनस के फाइव आपके पास आ गया ट्वेल्व, इसमें से माइनस करा थर्टी फाइव माइनस सेवनटीन कितना आ गया सेवनटीन आ गया। आई होप ये चीज समझ में आई। अगला क्या बनेगा, डेल्टा की पावर थ्री और वाई, इसमें से ये माइनस करा यानी ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स आ गया, इसमें से माइनस करा तो आपके पास कितना आ गया सेवनटीन, माइनस इसमें से माइनस करा कितना आ गया एटीन, यानी एटीन एटीन में से ट्वेल्व गया तो कितना आ गया आपके पास सिक्स आ गया। अब कितना आ गया डेल्टा की पावर फोर, सिक्स में से सिक्स गया तो कितना आ गया आपके पास जीरो आ गया, यानी इसके अलावा आगे कुछ नहीं चल सकते, तो यानी ये वाला न्यूमेरिकल हम यहीं पर ही सॉल्व कर देंगे, यानी ये वाली टेबल हम यहीं पर ही इसको छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड अप्लाई करना है, यानी फॉरवर्ड में क्या लेंगे अपर वैल्यू लेंगे और जो बैकवर्ड होगा वो हम नीचे वाली वैल्यू लेंगे। तो हमें फॉरवर्ड में लेना है, तो फॉरवर्ड में ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इनको हम क्या करेंगे एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, ये सारी वैल्यू ऐसे डायगनली, ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, इन वैल्यू को हम क्या करेंगे एक साइड में लिख लेते हैं। तो क्या क्या वैल्यू आई आपके पास, डेल्टा फोर वाई कितना आया जीरो आया, डेल्टा थ्री वाई कितना आया आपके पास सिक्स आया, डेल्टा टू वाई कितना आया आपके पास फिर से सिक्स आया था, डेल्टा वाई कितना आया आपके पास माइनस के वन आया, और वाई कितना आया आपके पास जो गिवन था वन, ये वाली वैल्यू हमने यहां पर लिख ली। अब ये सारी वैल्यू उठाकर हम कहाँ रखेंगे, अपने फॉर्मूले में रखेंगे। तो रखते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला ये है, ठीक है, एफ ए पी एच। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस पी एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी पी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू हमने बताया था फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म कौन सी हो गई, ए की वैल्यू जीरो। ये वैल्यू हम कहाँ पे देखेंगे, एक्स की टेबल में देखेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई जीरो। एच हमने बताया था डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है, तो वन जीरो के बीच में कितना डिफरेंस वन, वन टू के बीच में डिफरेंस कितना वन, तो यानी एच कितना आ गया वन। और ये वाली वैल्यू हम किसके बराबर रखेंगे, एन के बराबर। जो एन होगा वो हमें गिवन होगा, किस पर हमें मेथड अप्लाई करना है, किस वैल्यू पर मेथड अप्लाई करना है, जीरो पॉइंट फाइव पर अप्लाई करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई जीरो पॉइंट फाइव, और ए प्लस पी एच एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी हो गई जीरो हो गई, पी हमारे पास है नहीं, एच कितना हो गया वन और जीरो पॉइंट फाइव, तो यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई जीरो पॉइंट फाइव आ गई। आई होप आपको ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू उठाकर अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखते हैं फॉर्मूले में पुट करने पर क्या होगा और क्या आंसर हमें मिलेगा। तो रखते हैं, हमें किस पर वैल्यू चाहिए, फंक्शन 0.5 पर वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू हमने यहां रखी, यहां पर रखते हैं 0.5, यानी पूरी वैल्यू किसके बराबर है 0.5 के। ये आ गया एफ ए, एफ ए यानी फंक्शन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.fa, ए की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी जीरो निकाली थी, तो यहां पर रखी जीरो आ गया। प्लस पी की वैल्यू कितनी है 0.5, ये रखा मल्टीप्लाई डेल्टा एफ ए, यानी डेल्टा सिंपल एक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास माइनस के वन आई, ये लिख दिया
प्लस, फिर पी, पी कितना है हमारे पास 0.5 आया, इस पी की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 माइनस के 1, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है, ये वैल्यू यहां रख दिया अपॉन में फैक्टोरियल 2 रख दिया, प्लस पी की वैल्यू 0.5 माइनस के 1 ऐसे ही 0.5 माइनस के 2 रखी अपॉन फैक्टोरियल 3, और जो डेल्टा 3 है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 6 आई, प्लस ऐसी एक वैल्यू और बची है इसको भी लिख लेते हैं कितना हो जाएगा प्लस 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस के 2 0.5 माइनस के 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, और डेल्टा 4 आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे कैसे, फंक्शन ए पर 0 था, जब अब हम क्या करते हैं इन वैल्यू को सॉल्व करते हैं, फंक्शन 0 यानी जब हमने टेबल बनाई थी एक्स 0 1 2 3 4, वाई 1 2 ये थे हमारे पास 0, ठीक है ये वाली टेबल थी, तो इस टेबल में ए की वैल्यू कितनी हमने ली 0, तो ए पर वैल्यू कितनी मिली हमें 1 मिली, यानी फंक्शन 0 रखने पर हमें वैल्यू कितनी मिलती है 1 मिलती है, तो वाली वैल्यू हमने यहाँ रखी, प्लस माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई की ये आ गया, इन दोनों को सोल्व करा 0.5, इसे सोल्व करा 0.5 माइनस के मल्टीप्लाई 6, इसका फैक्टोरियल खोला 2 आ गया, प्लस 0.5 इसमें से माइनस करा माइनस के 0.5 इसमें से माइनस करा माइनस के 1.5 अपॉन फैक्टोरियल 3 खोला, तो कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, और मल्टीप्लाई 6 ये पूरा 0 हो गया, तो यानी पूरी वैल्यू आपके पास 0 हो गई। अब इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो सोल्व करा कितना आ गया 1 माइनस के 0.5 प्लस, इनको सोल्व करा कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 0.25 इंटू 6 अपॉन 2, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 0.25 मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन 6 और मल्टीप्लाई 6, ठीक है ये हो गया। अब क्या बचा 1 माइनस 0.5 प्लस, इससे कट गया आपके पास 3, इससे कट गया 6 पूरा, तो कितना हो गया इसकी इसमें मल्टीप्लाई की प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.75, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 1.5 5 1 2 5 5 और 2 3 7 5, यानी कितना आ गया 0.375 आ गया। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आपका ये आंसर, यानी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड आपका यहाँ पर क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो।